हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीज़ बनाने जा रहे हैं, भटूरे। अब आप कहेंगे भटूरे कैसे हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसे आज हम मैदे से नहीं, हम आटे से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी आटा ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा बीच में होल कर देंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे सेंटर में, आधी कटोरी दही हम सेंटर में डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम बेकिंग सोडा, नमक, चीनी और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए और हमारे भटूरे फूले फूले और अच्छे बने। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें हम अपना आटा मलेंगे। ऐसे अच्छे से आप आटा मल लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे। तेज़ गरम पानी नहीं डालना है, हल्का गुनगुना पानी डालना है और आटे को अच्छे से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने अपना आटा गूंद लिया है। देखिए कितना अच्छा आटा गूंद गया हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने रख दिया है और इसे ढककर रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। तो ये देखिए, मेरे आटे को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल भी गया है। तो चलिए इसका भटूरे बनाने शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सा आटा लूँगी और उसे अच्छे से रोल करूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना भटूरा रोल कर लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भटूरे को बेल लिया है। अब मैं इसे तलने के लिए कढ़ाई में डाल दूँ और इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे हम। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा, ये देखिए देखिए ये देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा बनकर रेडी हुआ है। अब हम कभी भी जब हमारा मन करे हम आटे के भटूरे बनाकर खा सकते हैं। अब हमें डर नहीं रहेगा कि मैदा है। ये देखिए इतना अच्छा भटूरा बनके हमारा रेडी हुआ है। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे चारों तरफ से, हल्का सा ऐसे कर कर भी और सब तरीके से इसको। तो अब ये हमारा भटूरा बनकर रेडी हो गया है। अब इसका ऑयल निकाल लेंगे और इसे हम तो ये देखिए, मैं एक और आपको भटूरा डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे हल्के हल्के से प्रेस कीजिए और ये देखिए हमारा भटूरा कितना अच्छा फूल कर ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही आप अपने सारे भटूरे बना लीजिए और उनका आनंद लीजिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।